आप सब जानते होंगे उनका जो शासन है, शासन चलाने का जो तरीका है वो पहले से ही सही नहीं था। हमने हर बार अवगत करवाया था कि कांग्रेस की मानसिकता विकास ना करने की है, लोगों को परेशान करना, किसान गरीब को गुमराह करना, उसका जीता जागता उदाहरण आज पुनः पेश हुआ। मिशन 2030 के नाम से माननीय गहलोत साहब जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो मीटिंगों के नाम पे जनप्रतिनिधि का टाइम जाया कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में से मीटिंग के कारण यहां पे आते हैं लेकिन उन मीटिंगों का कोई औचित्य नहीं है। आज विजन 2030 उसके तहत जल जीवन पे इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग का नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला 4/9/2023 को, यानी कल का। आज 5/9 को 1 बजे सामान्य सरपंच महोदय, प्रधान साहब और हम सब ने जब पता किया तो यहां अधिकारी नहीं थे, उन्होंने कहा कि 15 से 20 मिनट साहब और दीजिए। हम यहां लगभग 1:15 के करीब पहुंचे, 1:30 बज गए, लेकिन इनके जो अधिकारी इस बैठक सूचना में जो लिखे हुए हैं, जिसके अंदर सम्मानीय कलेक्टर महोदया भी है, जिसके अंदर स्कूल के प्रधानाचार्य जो सलाहकार के रूप में है और भी कई अधिकारी है, लेकिन उन अधिकारियों का कहीं अता पता नहीं है। जल जीवन मिशन के बारे में ये चर्चा करना चाहते हैं लेकिन जल जीवन मिशन में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर नल की योजना बनाई और वो योजना यहां पे लागू है, उस योजना को लागू करने वाले अधिकारी भी नहीं। सम्मानीय सभी सरपंच महोदय आपको पता है जल जीवन मिशन के अध्यक्ष हैं, सम्मानीय वार्ड पंच उसके सदस्य हैं, लेकिन इन सरपंचों को कहे बिना वहां पे जो ये रास्ते के बीच में पाइपलाइन डाल रहे हैं, रोड तोड़ रहे हैं, ऐसे कई विषयों पे सरपंच महोदय उनसे चर्चा करना चाह रहे थे। 1-2 पंचायत के अंदर विषय निकल के आए कि जो टंकी बनी है उस टंकी तक आपने कहा है पाइपलाइन जुड़ गई लेकिन पाइपलाइन नहीं जुड़ी। कई जगह पे जो एज पर रूल्स पाइप 1 मीटर नीचे डालनी चाहिए लेकिन वहां 6 इंची डाली हुई है। कई जगह पे पुरानी पाइप जो है उस पाइप से कनेक्शन किए। इन सारे विषयों को लेकर ये सरपंच महोदय यहां आए थे कि हम 2030 का अगर विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उस विजन डॉक्यूमेंट में लोगों तक पानी पहुंचे। इन सरपंचों ने ना जात पात और ना ही इन्होंने कोई पार्टी पॉलिटिक्स की, इन्होंने एकमात्र इनका लक्ष्य जो हम सब पहले से कहते आए हैं कि हर घर में हमें पानी पहुंचाना है, पानी पिलाना है, उसी लक्ष्य के साथ में आए थे। लेकिन आज इनका आना निराशाकारक रहा क्योंकि यहाँ की मुखिया सांचौर मुख्यालय पे होते हुए भी जिनको लोगों ने ये कहा है कि शायद उनका नाम पूजा जी है, शायद पूजा करने में व्यस्त है, उन्होंने मीटिंग में आना उचित नहीं समझा और जनप्रतिनिधि को यहां से अपनी जो बातें हैं वो बातें बताए बिना मीटिंग में से बाहर निकलना पड़ा। ये कांग्रेस का प्रशासन बताता है, ये कांग्रेस के मुखिया की काम करने की शैली बताती है कि उनको काम नहीं करना है, उनको सिर्फ जनता को गुमराह करना है। लेकिन आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी और ऐसे मुखियाओं पे कार्रवाई करने का कार्य करेगी, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर महोदय से कोई वार्ता की बात मैंने